हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एफसेक में। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आई है आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर ज्वाइनिंग से लेके डीवी रिजल्ट से लेके, और साथ ही साथ कुछ आपके 250 से 300 पूरी इसके आपकी क्वेरीज आई है, उसमें कुछ न्यू कैरी है जिसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहला रिक्वेस्ट ये है कि अगर यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप कंटिन्यू सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। सेकेंड थिंग्स ये रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि फ्रेंड्स पहले तो आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आप एक एक वीडियो पे 250 से 300 से 400 आपके क्वेरीज आते हैं जिसमें मैं 90 से 95% क्वेरी को ऑलरेडी अपने पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया रहता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो देखें ताकि मैं जितने लोग का मैंडेटरी कमेंट्स हो उनका रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि रिप्लाई तो करता हूँ लेकिन थोड़ा देर लग जाती। तो सबसे पहले मैं इस पूरी क्वेरीज में सबसे पहले डिस्कस करूंगा आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर के लेके। तो फ्रेंड्स कैली मैंने यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस में बात की है, क्योंकि हमारे यूट्यूब के थ्रू काफी टाइम मिल जाता है तो बेहतर वहां से सारे क्वेरीज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहले अभी जो आपके सितंबर लास्ट वीक में आपके डीवी का रिजल्ट आएगा, जो आपकी डीवी हुई है फ्रेंड्स उसका पहले अभी रिजल्ट आएगा। उसमें जो लोग नॉट क्वालिफाई होंगे या जिनका मतलब उस तरीके से मतलब डीबी में इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी, कुछ प्रॉब्लम कुछ इश्यूज हो गए, तो वो फाइनली आपका डीबी का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट अलॉट होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट अलॉट होगा और वहां से आप सभी को ऑनलाइन, ये सारी प्रोसेस मैंने बात की कि सारे प्रोसेस आपको ऑनलाइन सूचित किया जाएगा, मैसेज भी इन्फॉर्म किया जाएगा। और अब मैं अपने चैनल के थ्रू भी आप सारी चीजों को बताऊंगा। सेकेंड थिंग है कि इसमें कुछ लोग जो प्रोविजनल जमा किए हैं उससे इन्फॉर्मेशन, तो मैंने उनसे ये पता चला कि जिन लोगों ने प्रोविजनल जमा कर दिया है उनको काफी टाइम भी मिला है, 6 महीने का वैलिडिटी होता है, तो उनका जो उनका प्रोविजनल जमा होगा तो उनका रिजल्ट साथ में होगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं, क्योंकि ढेर सारे लोगों को कमेंट आ रहे सर हमने केवल प्रोविजनल दिया है तो इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो अक्टूबर में होगी, क्योंकि अभी ढेर सारे एग्जाम भी है। अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं वीडियो एग्जाम को लेकर। तो फ्रेंड्स वीडियो एग्जाम के लिए मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि सर बिजी शेड्यूल होने के नाते ये आपके मैक्सिमम चांसेस के अक्टूबर में जाने के। और ढेर सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि डोमेसाइल सर्टिफिकेट का, तो फ्रेंड्स इसमें डोमेसाइल सर्टिफिकेट कोई आ सकता नहीं, सिर्फ उन्हीं के लिए जरूरी है जो आउट ऑफ स्टेट है, यूपी से बाहर के। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, सारी क्वेरीज को आप इस टाइम इमेज पे देख पाए होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम इंडिया गवर्नमेंट का बनाए कि या यूपी स्टेट का बनाए, तो फ्रेंड्स कहीं का भी हो कोई दिक्कत नहीं, यूपी स्टेट का रहेगा तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और ट्रिपल सी में बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि पिता का नाम गलत है या उनका खुद का नाम गलत है, तो मैं इनको बता दूं कि जो आपका नेम चेंज हुआ है अगर नीलेट के थ्रू आप मेल करते हो वहां से, अगर 1-2 महीने में चेंज हो जाता था तो बेटर है, अदरवाइज आपको उस टाइम एक नोटरी बनवानी पड़ेगी, नोटरी पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये इशू है और उसके साथ एक वैलिड आईडी आपका। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। अगर आपकी कुछ इससे हटके क्वेरी आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और यूपी ट्रिपल एससी लोअर एग्जाम से लेकर मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें ढेर सारी वीडियोज है, उसको जरूर देख के जाइएगा, आपका 30 सितंबर का लगा हुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।